तो कल हमने एक्चुअली लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि क्या होती है इनहेरिटेंस। उसमें से हमने सिंगल मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, तो उसके बाद रहती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। वो एज असाइनमेंट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आप खुद देख लीजिए, उतना मस्ता तो है नहीं वो। तो आज का जो है एक्चुअली मैं हम आज मैंने आपको बोला था, ये जो हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो हम लिखते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इस बारे में थोड़ी सी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने दो यहाँ पे क्लास पर ही बना के रखे, वी हैव क्लास ए एंड क्लास बी। तो क्लास बी क्या कर रहा है, ये पब्लिक एक्सेस फेयर से इसको क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो अभी इन क्लास में कुछ कोड नहीं लिखा है, कोई काम नहीं हो रहा है फिलहाल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल इसमें क्लास ए में मैं क्या करूंगा, मैं एक पब्लिक लिख के, ठीक है, इंट ए लिखूंगा यहाँ, बस इतना ही, ठीक है। नाउ इन बी में मैं क्या लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा पहले पब्लिक, ठीक है, एंड देन मैं लिखूंगा इसमें वाइड शो एक फंक्शन, मेथड वाइड शो के नाम से, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं सी आउट, सपोज मैं इस करूंगा ए इज इक्वल टू 10 और सी आउट ए इज इक्वल ए का वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है, क्लास इसका नाम ए क्लास है, क्लास ए, उसके पास एक डेटा मेंबर है जिसका नाम वेरिएबल एक, जिसका नाम ए है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस ए और इस क्लास में, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे जा रहा हूँ अपने यहाँ पर क्लास बी पे, और क्लास बी को क्या कर रहा हूँ, मैं इनहेरिट कर आ रहा हूँ क्लास ए, ठीक है। तो इस सिंपल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस है, ठीक। और यहाँ पे मैं पब्लिक में एक मेथड लिख रहा हूँ वाइड शो, उस शो में मैं क्या कर रहा हूँ ए, या ध्यान रखो ये जो मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मैं ए लिख रहा हूँ ये वाला ए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो ये ए लिखा है, तो ये ए एक्चुअली में, ये एक्चुअल में ये जो ए है ये इस क्लास ए का ए है, क्योंकि क्लास बी के पास जो हम देख रहे हैं, क्लास बी के पास अपना कुछ नहीं है, उसके पास कोई वेरिएबल हमने या कोई डेटा मेंबर हमने नहीं लिखा है, देयर इज नो नथिंग, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या ये क्लास ए का जो हमारे पास एक डेटा है उसके पास, जिसका नाम ए है, क्या ये बी वाले इस बी वाली फंक्शन में या मेथड से हम बोलते हैं यहाँ पे, क्या ये उसमें एक्सेस होगा, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए हम बी का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से हम इस शो वाली फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर ये कॉल होता है तो इसका मतलब ये एक्सेस हो गया। तो शो को कॉल करते हैं, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं हम, क्या होता है। तो जो ही हमने इसको रन किया तो इसने यहां पे दिखाया ए इज इक्वल टू 10। अब ए इज इक्वल टू 10 का मतलब हम एक्सेस कर पाए, अगर इसको एक्सेस नहीं कर पाते तो ये हमें एक एरर देता, ये बोलता हमें कि एरर आ गया, कोई एरर है आपके प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब हम इसको एक्सेस कर पाए। लेकिन अभी तक हमने क्या किया है, हमने हमने सिंपल सी कुछ चीजें की है, वी हैव यूज जस्ट सिंपल थिंग्स, हमने यहाँ भी पब्लिक यूज किया और यहाँ भी पब्लिक यूज किया है, ठीक है।
ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां, एक तो यहां पे पब्लिक है और एक तो यहां पे भी पब्लिक है, ठीक है। अब देखो मैं फिलहाल के लिए यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है अगर हम इसमें कुछ भी ना लिखें। अगर मैं यहाँ पे इसको सीधे ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्राइवेट ही होता है, ठीक है। तो फिर भी अपने लिए हम लिखते हैं प्राइवेट, अगर हम नहीं भी लिखे कुछ तो फिर भी ये प्राइवेट ही है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइवेट। अब देखो मैंने थोड़ी सी चेंज की, बस एक चेंज मैंने की अभी, जो भी हमारे और कहीं पर मैं कोई चेंज नहीं करने जा रहा, खाली हमारे जो क्लास ए था, जो बेस क्लास था, बेस क्लास में मैंने क्या किया, उसका जो उसमें एक आइडेंटिफायर जो था अभी तक पब्लिक था, तो वो मैंने अब प्राइवेट बना दिया। अब ये जो हमारे पास डेटा मेंबर है ए है, ये प्राइवेट है, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही पब्लिकली एक्सेस करा रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ क्या ये हमें एक्सेस होगा कि नहीं होगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर बोल रहा है ए इज प्राइवेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये प्राइवेट है, यानी ये जो ए है ये यहाँ पे प्राइवेट है और ये प्राइवेट वाली चीजें इनहेरिट नहीं होती, यानी इसके पास ये ए पता ही नहीं, इसको इस बी क्लास को इस ए का कुछ पता नहीं। क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये जो प्राइवेट जो भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। अब एक और चीज, हमारे पास तीन चीजें हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अब मैंने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया, ठीक है, अभी तक तो पब्लिक हो गया है एक्सेस, प्राइवेट नहीं हो गया, अब प्रोटेक्टेड देखेंगे क्या ये एक्सेस होता है। तो यहां पर मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मुझे वैल्यू 10 आ रहा है, ए इज इक्वल टू 10, इसका मतलब प्रोटेक्टेड मुझे एक्सेस हो गया। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि क्या डिफरेंस है अगर हम इसको पब्लिक रखते हैं तो ये एक्सेस होता है, अगर इसको हम प्राइवेट रखते हैं तो एक्सेस नहीं होता है, अगर हम इसको प्रोटेक्टेड रखते हैं तो एक्सेस होता है। तो लेकिन डिफरेंस है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस है, ठीक है। अब वो डिफरेंस हमें एक्चुअली समझनी है, ठीक है। पहले सिंपल से ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट हमें याद रखना है, बाय डिफॉल्ट में ये प्राइवेट होता है, अगर हमें यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिखे तो प्राइवेट होता है। अब प्रोटेक्ट, अब हम जब हमने इससे पहले हमने इसको पब्लिक किया था, अब पब्लिक का मतलब ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल है। अगर आपको याद होगा इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि जो पब्लिक वाली चीजें होती है एक क्लास में, वो यूजिंग ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब पब्लिक को हम एक्सेस कर सकते हैं, देखो इस वाली पब्लिक को मैंने इस वाले पब्लिक फंक्शन में या मेथड में यूज किया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक, यहाँ पे यूज हो गया। लेकिन इसके बाद जब मुझे इस वाली मेथड को यूज करना है, इस वाली मेथड को यूज करना है, तो इस वाली मेथड को मैं तभी यूज कर सकता हूँ जब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ। तो वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे क्रिएट किया यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने इसको कॉल किया। सो क्या हो सक क्या क्या है हमारे पास प्रोसीजर, हमारे पास एक सिंपल प्रोसीजर है, वी कैन गो लाइक दिस। अगर हमारे पास पब्लिक चीजें हैं तो वो पब्लिक चीजें ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास प्राइवेट चीजें हैं तो प्राइवेट चीजें डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है। सपोज अगर यहाँ पे कोई इंट बी है, तो इंटीजर बी जो है, इंटीजर बी अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो वो मुझे एरर दिखाएगा, बोल के जो बी है ये एक्सेस नहीं है यहाँ पे, ये बी एक्सेस नहीं। हाँ, यहाँ पे एक सिंपल चीज, अगर मैं इस बी को यूज ही ना करूँ, ठीक है, अगर मैं इस बी को यूज ही ना करूँ तो हमारा प्रोग्राम जो है आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि तब तो कोई इशू नहीं है, इसने तो इस बी को यूज ही नहीं किया, अगर इसने बी को यूज किया तब जाके इशू हो आ जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारा जो कोड है, अगर हम चाहते हैं उसमें कुछ चीजें एक्सेस हो
कुछ चीजें एक्सेस ना हो, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम उन चीजों को जो हमें एक्सेस करनी है उनको क्या करते हैं, उनको पब्लिक रखते हैं या प्रोटेक्टेड रखते हैं। अब पब्लिक कब रखते हैं, पब्लिक का मतलब उनके साथ कुछ और भी जो चेंजेस हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको प्रोटेक्टेड रखें, सपोज यहां पर अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड रखूं, अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड रखूं, तो अब थोड़ा सी ये जो है इंट ए, अब इसमें थोड़ी सी चेंज है। वो क्या चेंज है, मैं अभी बस आपको एक एग्जाम यहां पे एक सिंपल करते हैं। पब्लिक ए, पब्लिक सपोज सी, ठीक है, या मैं पब्लिक ये जो है बी को हम पब्लिक रखते हैं, ठीक है, और ए को प्रोटेक्टेड रखते हैं। अब देखो ये बी और ए दोनों इसमें एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या फर्क है कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड में एक बड़ी फर्क आ जाएगी अभी हमें यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैं अपने मेन वाले प्रोग्राम में मेथड में आ जाता हूँ, फंक्शन में आ जाता हूँ। मैंने बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे, ठीक है। अब इस बी से मैं एक काम करता हूं, मैं इस ओबीजे से मैं काम है ओबीजे डॉट बी इज इक्वल टू 10, ओबीजे डॉट बी इज इक्वल टू 10 मैंने लिखा, यानी मैंने इस बी को डायरेक्ट एक्सेस किया विदाउट यूजिंग ए फंक्शन, विदाउट यूजिंग ए फंक्शन या विदाउट यूजिंग ए मेथड मैंने इसको एक्सेस किया, और ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से ए को एग्जीक्यूट करना चाहूं, ए इज कॉल्ड 10, अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, ये मुझे दिखाया कि ये तो प्रोटेक्टेड है, ये ऐसे एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, ये मुझे ऐसे एक्सेस नहीं करने देगा इसको, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब पब्लिक जो चीजें हैं, पब्लिक चीजें डायरेक्टली एक्सेस होती है, पब्लिक चीजें इस समय याद रखना है, पब्लिक जो होती है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली एक्सेस होती है यूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पब्लिक चीजें डायरेक्टली एक्सेस होती है यूजिंग ऑब्जेक्ट, मगर जो हमारी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड चीजें होती है वो एक्सेस होती है यूजिंग मेथड। यानी ये ए जो है, ए को मैं खाली एक मेथड से ही यूज कर सकता हूं, वो मैंने ए को यहां पे जहां पे ये हुआ था यूज, मैंने इसको यहां पे यूज किया, ठीक है, तब जाके मैंने इस मेथड को कॉल कर सकता हूं, सपोज ओबीजे डॉट शो जो हमारी मेथड है, इसमें मैंने ए को यूज किया, मैं कर सकता हूं। हाँ, लेकिन बी, क्योंकि बी मेरे पास पब्लिक है, तो पब्लिक को मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन प्रोटेक्टेड को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, वो अपने एक इनहेरिट जो होता है, जो हमारे पास दूसरा डिराइव्ड क्लास होता है, डिराइव्ड क्लास में वो एज गुड एज प्राइवेट हो जाता है। यानी ये जो प्रोटेक्टेड है, ये यहां पर सिंपल एक डेटा मेंबर बन गया, लाइक प्राइवेट। यहां पर ये जो ए है, ये जो ए है इस बी क्लास के लिए एक डेटा मेंबर बन गया, लेकिन प्राइवेट डेटा मेंबर, और प्राइवेट डेटा मेंबर हमेशा पब्लिक फंक्शन से हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर हो, प्राइवेट डेटा वेरिएबल हो कोई, अगर हमें उसको यूज करना हो, तो उसको यूज करने के लिए हमें एक पब्लिक फंक्शन बनानी पड़ती है। इसी वजह से मैं यहां पर इस ए को यूज नहीं कर पाया डायरेक्टली, यहां पर डायरेक्टली यूज नहीं कर पाया, लेकिन बी को यूज कर पाया, क्योंकि बी मैंने पब्लिक रखा था। अब जब मैंने ये पब्लिक रखा था, बी यूज हो गया, लेकिन क्योंकि ए मेरा प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई चीज प्राइवेट हो, तो वो प्राइवेट कभी इनहेरिट होगी ही नहीं, सपोज एक्स, ठीक है,
तो ये एक्स किसी भी तरीके से ना पब्लिक फंक्शन से, सपोज मैं अगर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 30 लिखूं, तो ये प्रोग्राम जो है ये मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि बोलेगा एक्स तो है, एक्स का मसला है, एक एक्स आप इनहेरिट ही नहीं कर सकते। तो ये एक्स क्या होगा, ये कभी इनहेरिट ही नहीं होगा, या तो मुझे ये एक्स यूज ही नहीं करना है। तो यहाँ पर हम चीज समझ रहे हैं कि जो प्राइवेट है, अगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्योंकि प्राइवेट ही होता है, चलो हम यहाँ पर अगर प्राइवेट लिखे लिख भी लें, प्राइवेट इनहेरिट नहीं होता है, ये याद रखना है। प्राइवेट चीजें कभी इनहेरिट होती ही नहीं है, ठीक है। पब्लिक चीजें इनहेरिट होती है और विदाउट यूजिंग मेथड भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड चीजें इनहेरिट हो जाती है, प्रोटेक्टेड चीजें इनहेरिट हो जाती है। यहां पे मैं इसको लिखता हूं इनहेरिटेड एंड कैन बी यूज्ड विद ऑब्जेक्ट ओनली, खाली ऑब्जेक्ट से भी यूज हो सकती है। और जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड हमें क्या होता है, हमें इनहेरिट हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है, बट कैन बी यूज्ड ओनली इन पब्लिक फंक्शंस। तो प्राइवेट हमें कभी इनहेरिट होता ही नहीं है, ये हम यूज ही नहीं कर सकते। अगर हम प्राइवेट कोई मेंबर है या कुछ मेथड है तो उसको हमें यूज ही नहीं करना है इनहेरिटेंस में, दूसरे वाली क्लास में। तो दूसरी चीज पब्लिक जो है, पब्लिक इनहेरिट भी होती है और उसको हम डायरेक्टली यूजिंग एन ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड तीसरा हमारे पास जो चीज होती है वो होती है हमारे पास प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो जाता है लेकिन हम इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हमें इसको एक्सेस करने के लिए एक मेथड की जरूरत पड़ती है जो कि पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी तीन चीजें, तीन डिफरेंट चीजें, अगर हमारे पास पब्लिक हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। लेकिन एक चीज समझने की, यहाँ पे मैंने यहाँ पे खाली पब्लिक लिखा है, इसका यहाँ यहाँ की जो चीजें हैं ये तो एक कुछ अलग डिफाइन करती है, ये चीजें डिफाइन करती है कि ये जो चीजें हैं ये अपने क्लास में क्या है, ये अपने क्लास में पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है। लेकिन यहाँ ये जो चीज है ये कुछ और डिफाइन करती है, ये डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि इस क्लास को जो हमने डिराइव किया है, इसको हमने पब्लिकली डिराइव किया है, प्राइवेटली डिराइव किया है या प्रोटेक्टेडली डिराइव किया। बाय डिफॉल्ट हम पब्लिक डिराइव करते हैं, पब्लिक से मैंने समझाया आपको, प्राइवेट नहीं होता है इनहेरिट, पब्लिक इनहेरिट हो जाता है, डायरेक्ट एक्सेस भी हो जाता है और प्रोटेक्ट इनहेरिट हो जाता है लेकिन एक्सेस यूजिंग पब्लिक फंक्शंस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट लिखूं, ठीक है, अब मैंने इनहेरिट उसको प्राइवेट कर दिया, अगर अब मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ, ठीक है, तो ये मुझे नहीं एग्जीक्यूट करने देगा, ये मुझे बोलेगा कि अब तो बी भी एक्सेसिबल नहीं है, अब तो बी भी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूजिंग प्राइवेट एक्सेस करें तो ये सारी मीनिंग्स चली जाती है। बाय डिफॉल्ट सिंपलिसिटी के लिए हम पब्लिक एक्सेस करते हैं, तो जो पब्लिक एक्सेस अगर हम करते हैं, पब्लिक एक्सेस में ये वाली मीनिंग्स रह जाती है, प्राइवेट एक्सेस नहीं होता है, पब्लिक एक्सेस हो जाता है, आउटसाइड क्लास हम यूजिंग ऑब्जेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड जो है वो इनहेरिट हो जाता है लेकिन एक्सेस हो जाता है हमें खाली पब्लिक फंक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे तीनों चीजें हम कर सकते हैं, हम प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर हम प्रोटेक्टेड लिखेंगे तो फिर से चीजों की जो है माने बदल जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि ये जो है बी को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, अब बी जो है पब्लिक हो गया लेकिन जो ही हमने इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट लिखा है, अब हम इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, हाँ हम इसको यहाँ पर बी इज इक्वल टू सपोज 30 ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें समझनी है कि दो जगह यहाँ पर पब्लिक प्रोटेक्टेड या प्राइवेट लिखने से चेंजेस आ जाती है, एक तो विद इन द क्लास पब्लिक लिखें, प्राइवेट लिखें या प्रोटेक्टेड लिखें उससे चेंजेस आ जाती है, एक तो यहाँ पे जब हम इनहेरिट करते हैं, यहाँ पर जब भी हम कोई चीज लिखते हैं चाहे पब्लिक लिखें या प्रोटेक्टेड लिखें इससे भी चेंजेस आ जाती है, ठीक है।